अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो मेरे चैनल पे एक लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। पास में जो बेल आइकन है उसको जरूर क्लिक कीजिए ताकि जो भी मैं नई वीडियो अपलोड करूंगी उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को जल्दी मिल जाएगी। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो गाइस, ये वही 16 जून का वीडियो ब्लॉग है जो मेरी मम्मी पूजा कर रही थी बसुमती स्नान का, तो उसी दिन का ये ब्लॉग है। तो गाइस, मम्मी को देख लिया आपने, पूजा कर लिया है। आज जो हमारा त्यौहार है 3 दिन का चल रहा था, आज कंप्लीट हो गया है बसुमती स्नान। आज मतलब है आज हमारा सब कुछ, मतलब जो फेस्टिवल जो चल रहा था रज का, आज फिनिश हो जाता है। बहुत सारे मेहमान वगैरह अपने अपने, सभी लड़कियां सब अपने अपने मायके आते हैं, आज सब अपने अपने घर वापस चले जाएंगे और मैं भी घर जाने वाली हूँ ससुराल। तो चलो मिलती हूँ। अभी गाइस शाम का टाइम हो गया है, शाम का 6:30-7 बजे का टाइम है और मेरी छोटी बहन जो सानू है वो अपना घर चली गई है और मैं नहीं गई। मैं जाने वाली थी आज, लेकिन मेरी ससमा बोली तुम्हारा जो लड़का, हमारा जो बेटा बड़ा होता है जिसका, तो वो फ्राइडे को घर पे नहीं जाता है, ससुराल नहीं जाते हैं, तो इसलिए मैं नहीं गई, मैं रुक गई हूँ, मैं संडे को जाऊँगी। तो यहाँ पर देखिए दोनों जो हमारा बिल्लिया है ना, वो बहुत अच्छे से खेल रहे थे, क्योंकि जो मेरी छोटी बहन के बच्चे थे ना, डुगली और डुगला, डुगली बहुत ही परेशान करती थी दिन भर बिल्लियों को, तो ये दोनों नहीं खेल पा रहे थे। अभी थोड़ा घर शांत है, कोई नहीं है, तो यहाँ पर देखिए दोनों बहुत अच्छे से दोनों बहनें खेल रहे थे, तो मैं सोची चलो थोड़ा सा क्लिप ले लेती हूँ। तो अभी गाइस ये ब्लॉग है, संडे का ब्लॉग है, संडे मतलब 19 जून का ब्लॉग है और मैंने 18 को कोई ब्लॉग नहीं बनाई थी, सैटरडे को, फ्राइडे को बनाई थी शाम को, बस दो बिल्लियाँ खेल रहे थे, उसके अगले डे में कोई ब्लॉग नहीं बनाई थी। और आज मैं ससुराल जाने वाली हूँ, लास्ट डे है आज मायके में, तो पापा यहाँ पर नाश्ता लेके आए थे बाहर से, यहाँ पर नाश्ता करे हम बड़े और घुगनी। हेलो गाइस, आज मेरे मायके में लास्ट डे है, तो कुछ एल्बम है, तो मेरी कुछ पिक्चर है मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ, जो कि शादी के पहले से है और कुछ बचपन की है, मैं वो आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। तो चलो दिखाती हूँ, मेरे बचपन वाली पिक्चर इसमें है, दिखाती हूँ। ये देखिए मेरी, तो दिखाऊंगी पहले मेरे पापा, और ये मेरी दादी माँ है जो कि अभी नहीं है इस दुनिया में, अभी नहीं है। दादी माँ को गुजरे हुए 4 से 5 साल हो गया है। तो ये मेरी दादी माँ और मेरे पापा, देखिए कैसे दिखते थे और एरिया कैसे था, कैसे हो गया है। और मेरी फोटो यहाँ पर देखिए, मैं कौन हूँ बताइए, मुझे सुनी इसमें देखिए मैं कहाँ हूँ, देखिए ये हूँ मैं। और ये मेरी मौसी की लड़की है, पिंकी इसकी नाम है, ये भी मेरी अभी ब्लॉग देखती है, इसकी भी एक लड़की हो चुकी है। और ये है मैं, ये मैं हूँ और ये है पिंकी, हम दोनों बहनें हैं। हमारी फोटो देखिए मैं कैसे दिख रही थी, देखिए साड़ी तो मुझे नहीं हो रही, बड़ी हो रही है, देखिए कैसे पहन के मैं खड़ी हूँ। और जब कैमरा मैन जब फोटो खींचा ना, मुझे बहुत हंसी आ रही थी, तो मैं मुँह को ऐसे देखिए, मैं होंठ को ऐसे चाप ली हूँ। और दिखाती हूँ मेरी फोटो, ये दिखाई, ये देखिए मैं हूँ, लाइट लगाऊंगी तो अच्छी लग रही है ना। ये देखिए मेरी सबसे छोटी बहन है जो कि मतलब कैमरे के सामने अभी नहीं आ रही है। और ये मैं हूँ, ये कोणार्क में खींची हुई थी हम, कोणार्क घूमने गए थे ना, ये देखिए कोणार्क में ही खींचा हुआ था। इसके एक दो साल के बाद मेरी शादी हो गई थी, दोस्तों मेरी शादी के 2 साल पहले का ये फोटो है, कोणार्क में गई थी। देखिए मैं कितनी पतली थी। और ये भी है, फोकस नहीं कर रहा, लेकिन देखिए कोणार्क में खींचे थे, बहुत बारिश उस दिन हो रही थी, देखिए गीला गीला है पूरा पर्स, आप लोग दिख रहा होगा आप लोगों को। और भी दिखाती हूँ, ये देखिए ये मेरी मौसी का लड़का है ये, और मेरी छोटी बहन और मैं, और ये है मेरी छोटी बहन में, हम दोनों बहनें को अच्छे से देखती है जो कि कैमरे के सामने नहीं आ रही अभी, बड़ी हो गई ना इसीलिए। ये हम दोनों, हमारी बहन है जो कि आई हुई थी,
बाजू में, और ये सबसे छोटी वाली हमारी बहन, और ये है मेरी मौसी जो पिंकी मेरे साथ खड़ी थी ना वो उसकी मम्मी है, और ये मेरी नाना नानी है, और ये मेरी छोटी बहन है जिसकी सारे देखिए कितने सारे प्राइस है वहाँ पर रखी है, उसको मिला था इसमें मेरे भी है, मुझे सॉन्ग में प्राइस मिला था मेरे कॉलेज में यहाँ पर रखा हुआ है, और ये हमारा नाना नानी है, ये भी अभी हमें इस दुनिया में नहीं रहे, मेरी नीचे वाली जो अभी कैमरे के सामने वो भी नहीं आना चाहती है, और मेरी मम्मी देखिए कैसे दिख रही थी तब बिल्कुल मेरी जैसे मेरी मम्मी दिख रही है, और ये देखिए मैं हूँ, अच्छे से फोटो नहीं आया है, ये मैं ही हूँ, इतनी छोटी सी थी मेरी लड़की जैसी मैं दिख रही थी, सोनी जैसे बचपन में दिखती थी मैं भी वही ऐसे ही दिख रही थी, फोकस क्यों कर ली सोनी अंदर चढ़ा। और गाइस ये पिक्चर देखिए, यहाँ पर बीच में मैं बैठी हुई हूँ, इसी उम्र में ही मेरी शादी हो गई थी, तो मेरी नाना नानी और मेरे छोटी बहन सानू थी, मुझे मेरी नाना नानी ना बहुत ही प्यार करते थे, और मेरी मम्मी देखिए कैसे दिख रही थी, हम तीनों बहन हो चुके थे तब की ये फोटो मेरी मम्मी की है, और यहाँ पर देखिए ज्योति और मेरी छोटी बहन सबसे जो प्रतिभा है ये, तो ज्योति, और यहाँ पर देखिए हमारा पहले से ही बिल्लियों का राज है घर में, देखिए बिल्लियों को पकड़े हुए हैं हमेशा, हमारे घर में ना बिल्ली होते ही होते हैं, कभी कोई बिल्ली चली जाती है तो नए को आ जाते, तो यहाँ पर देखिए छोटे छोटे क्यूटी क्यूटी बिल्लियों को पकड़े हुए हैं, यहाँ पर ज्योति के घर में जो गए थे ना गांव में उनके घर, वही वाली सिस्टर है वो मेरी छोटी बहन है, और ये है मेरी मम्मी पापा का शादी वाला एक पिक्चर मैं दिखाना चाहती हूँ, देखिए मेरे मम्मी पापा कैसे दिखते थे तब, और ये है मेरी पिक्चर शादी के पहले का, शादी के बाद का कोई पिक्चर इतना नहीं है, एक पिक्चर था लेकिन मैं नहीं दिखाई आप लोगों को, ये देखिए ये साड़ी पहली बार मैं पहन के ना, साड़ी मैं पहली बार पहनी थी ये साड़ी, तभी 17 ईयर्स की थी मैं, 17 या 18 ऐसे ही, तो यहाँ पर मैं पहली बार साड़ी पहन के फ़ोटो खींची थी, थोड़ा लाइट आ रहा ना मैं अच्छे से दिखा रही हूँ, और ये पीछे जो लगा हुआ है जगन्नाथ जी के ना, ये मैं खुद मेरे पापा के साथ पूरी गई थी श्री जगन्नाथ मंदिर, तो वहाँ से मैं लेके आई थी पापा के साथ, तो पापा मेरे फ्रेम बना के लगाए हुए थे, और ये जो पिक्चर देख रहे हो चुमकी दीदी के साथ, ये मेरे शादी का ठीक एक साल बाद जिस दिन हमारा शादी का एनिवर्सरी पहली फर्स्ट एनिवर्सरी था उसी दिन हम दोनों ननद भाभी जाके फ़ोटो खिंचवाए थे, तो तब का फ़ोटो है ये, 2007 में मेरी शादी हुई थी और ये है 2008 का पिक्चर, तो इतना ही एल्बम से मैंने पिक्चर आप लोगों को दिखाया, अभी शाम का टाइम हो गया है और मैं रेडी हो भी हो चुकी हूँ, और पर सुन्नी भी रेडी हो चुकी है यहाँ पर प्रेयर कर रही है मेरे पापा के साथ, जैसे ही पापा और सुन्नी प्रेयर कर लेंगे फिर हम लोग मैं मेरे ससुराल निकल जाऊँगी, तो ये देखिए गाइस मैं रेडी हो चुकी हूँ, और हमेशा लड़कियाँ जब भी मायके आती है मम्मी जो होती है हमेशा न्यू साड़ी देती है, तो यहाँ पर देखिए साड़ी ना मेरी मम्मी दी हुई है येलो कलर की, रोजों में पहनने के लिए बोली थी लेकिन मैं नहीं पहनी थी, मैं बोली कि मैं जिस दिन ससुराल जाऊँगी ना उस दिन पहन लूँगी, तो यहाँ पर देखिए मैं रेडी हो चुकी हूँ, और ये कॉटन की साड़ी है, इसमें थोड़ा सा जरी दिया हुआ है, मतलब जो क्या जरी हम इसको बोलते हैं ना इसमें है, और तो यहाँ पर देखिए मैं रेडी हो चुकी हूँ, थोड़ी देर में ससुराल भी चली जाऊँगी, और जाते टाइम मेरी बहन को बोली थी वीडियो ले लेना लेकिन वो भूल गई थी लेना,
तो उसी दिन मैं संडे के दिन शाम के टाइम मतलब 7:30 बजे मैं ससुराल में पहुंच गई थी और कुछ अच्छा नहीं लग रहा था इस दिन। उस दिन भी पहुंचने के बाद भी मैंने कोई क्लिप नहीं बनाई थी गाइस, और नेक्स्ट डे भी कोई क्लिप नहीं बनाई क्योंकि नेक्स्ट डे ना मैं सोनी को लेके स्कूल गई थी उसकी एडमिशन के लिए। तो वहाँ पर सोनी का एडमिशन हो गया था नेक्स्ट डे मंडे को, और आज है ट्यूसडे और आज सोनी फर्स्ट डे स्कूल जा रही है। तो मैं सोची कि आप लोगों से ये क्लिप शेयर करना चाहिए। तो सोनी का आज फर्स्ट डे है स्कूल में, जाएगी सोनी आज। तो सोनी बहुत ही खुश हो रही थी, देखिए उसको मैं तैयार कर रही हूँ और इसका यूनिफॉर्म पहन के ना ये बहुत ही खुश है तो स्कूल जाने के लिए। तो ये ब्लॉग गाइस मैं बोल देती हूँ, मैं संडे वाला तो ब्लॉग मैंने शेयर की हुई हूँ, मैं उसी दिन घर में आ गई थी ससुराल और मंडे को कोई ब्लॉग नहीं बनाई थी। ये ट्यूसडे का ब्लॉग है, 19, 19, 20 और 21 का ये ब्लॉग है, 21 डेट का। तो यहाँ पर सोनी रेडी हो चुकी है, स्कूल पहुँचाने वाली हूँ मैं और फर्स्ट डे स्कूल जा रही है। तो गाइस ये ब्लॉग मैं आगे और कंटिन्यू नहीं कर पाती हूँ, आज भी ब्लॉग कोई नहीं बनाई थी मैं ट्यूसडे के दिन, क्योंकि बस सोनी को स्कूल पहुँचाई थी और रोजी की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी तो मैं और कोई ब्लॉग नहीं बनाई, बस सोनी को छोड़ के आने के बाद काम पे लग गई थी। तो सोनी का फर्स्ट डे तो सोचा शेयर कर लूँ। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं पर एंड कर देती हूँ गाइस। आज का ब्लॉग अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, बाय बाय बाय। इधर देखो, बाय बोल दो, बाय बाय, जाओ 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 अंदर, जाओ अंदर जाओ। वेरी गुड, वेरी गुड देवस्मिता, वेरी गुड।